मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वेलकम टू TSN स्कूल क्लास 11th बायोलॉजी चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम पार्ट 4th. ओके क्लास एबीज. अभी हम क्लास लास्ट वीडियो में क्लास रेप्टिलिया डिस्कस किया था. आज हम क्लास एबीज स्टार्ट करते हैं. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एबीज मीन्स बर्ड्स आर द प्रेजेंस ऑफ फैदर. इसका जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें फैदर प्रेजेंट होते हैं. एंड मोस्ट ऑफ देम कैन फ्लाई एक्सेप्ट फ्लाइटलेस बर्ड्स ऑस्ट्रिच. इट मीन्स मोस्टली इसके जो मेम्बर्स होते हैं वो फ्लाई करते हैं, केवल कुछ एक मेम्बर्स को छोड़कर, जिसमें एक एग्जाम्पल है ऑस्ट्रिच. दे पॉजेस बीक, इनमें बीक प्रेजेंट होती है. द फोर लिम आर मॉडिफाइड इंटू विंग्स. फोर लिम जो होते हैं वो मॉडिफाइड होकर विंग्स की फॉर्म में चेंज हो जाते हैं. द हिंड लिम्स जनरली हैव स्केल्स. हिंड लिम पे इसके स्केल्स प्रेजेंट होते हैं. आर मॉडिफाइड फॉर वॉकिंग, और ये मॉडिफाइड होते हैं वॉकिंग करने के लिए. स्विमिंग और क्लिपिंग द ट्री ब्रांचेस, और स्विमिंग भी कर सकते हैं और क्लैप्सिंग भी कर सकते हैं ये किसको, ट्री की ब्रांचेस को. ओके स्किन इज ड्राई विदाउट ग्लैंड एक्सेप्ट द ऑयल ग्लैंड एट द बेस ऑफ द टेल. इट मीन्स इसकी स्किन जो होती है वो ड्राई होती है विदाउट ग्लैंड. इसमें कोई भी ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होती है, केवल ऑयल ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होती है. कहाँ पर? टेल के बेस पर. एंड स्केलेटन इज फुली ऑयल ऑसिफाइड. मीन्स इसका जो एंडोस्केलेटन है वो पूरी तरीके से ऑसिफाइड होता है. इट मीन्स बोनी होता है. एंड द लॉन्ग बोन्स आर हॉलो एंड विद एयर कैविटी. इसमें जो लॉन्ग बोन होती हैं वो सारी की सारी हॉलो होती हैं. वाई? बिकॉज एयर कैविटीज में प्रेजेंट होती हैं. ओके जिसे हम क्या कह सकते हैं, न्यूमैटिक. द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ बर्ड्स हैज़ एडिशनल चैम्बर. इसमें डाइजेस्टिव ट्रैक में एडिशनल चैम्बर प्रेजेंट होता है. द क्रॉप एंड गिजर्ड, जिसे हम क्रॉप एंड गिजर्ड कहते हैं. हार्ट इज कम्प्लीटली फोर चैम्बर्ड, मीन्स ये कम्प्लीट है हार्ट इसका, जिसमें फोर चैम्बर प्रेजेंट हैं. दे आर वार्म ब्लडेड, इट मीन्स होमियोथेमरस. इट मीन्स ये वार्म ब्लडेड है. वार्म ब्लडेड मीन्स जो अपनी बॉडी का टेम्परेचर अपने आप मेंटेन कर सकते हैं. दैट इज़ दे आर एबल टू मेंटेन कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. ठीक है. रेस्पिरेशन इज बाय लंग्स. एयर सैक्स कनेक्टेड टू लंग्स सप्लीमेंट रेस्पिरेशन. इट मीन्स इसमें जो रेस्पिरेशन हो रहा है लंग्स के थ्रू हो रहा है. एयर सैक्स जो होते हैं वो कनेक्टेड रहते हैं लंग सप्लीमेंट से. और सेक्सेस आर सेपरेट. सेक्सेस दोनों ही सेपरेट होते हैं. फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल. दे आर ओवीपेरस एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्ट. इट मीन्स ये मोस्टली क्या होते हैं, ओवीपेरस होते हैं. और इसमें जो डेवलपमेंट होता है वो कैसा होता है, डायरेक्ट. इट मीन्स इसमें कोई लार्वल स्टेज प्रेजेंट नहीं होती है. इसके एग्जांपल हैं, जैसे हम देखते हैं कावस जिसे हम क्रो कहते हैं, कॉलम्बला जिसे हम पिजन बोल रहे हैं, पिस्टेक्यूला पैरट, स्ट्रूथ्रियो जिसे ऑस्ट्रिच कह रहे हैं, पैवो जिसे हम पिकॉक कहते हैं, एप्टेंडल्स जिसे हम पेंगुइन कह रहे हैं, और नियोफ्रॉन जिसे हम वल्चर कह रहे हैं. नेक्स्ट क्लास इज मैमिलिया. मैमिलिया दे आर फाउंड इन वेराइटी ऑफ हैबिटेट. ये बहुत सारी हैबिटेट में मिल सकता है, जैसे पोलर आइस कैप्स में भी प्रेजेंट है, डेजर्ट में भी प्रेजेंट है, माउंटेन्स में भी प्रेजेंट है. इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो फॉरेस्ट में भी प्रेजेंट है, ग्रास लैंड में प्रेजेंट है, डार्क केव्स में भी प्रेजेंट है. सम ऑफ देम हैव अडेप्टेड टू फ्लाई और लिव इन वाटर. ये इनमें कुछ में अडेप्टेशन प्रेजेंट होती हैं जो इसको कैपेबल बनाता है फ्लाई करने के लिए भी और वाटर में रहने के लिए भी. द मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टर. अब देखिए ये मोस्ट यूनिक मैमिलियन कैरेक्टर है, इज द प्रेजेंट ऑफ इट्स मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड, जिसे हम कहते हैं मैमिलरी ग्लैंड. इसमें मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसे हम मैमिलरी ग्लैंड कहते हैं, और इसका यूनिक फीचर है. बाय विच द यंग वंस आर नरिश्ड, जो कि यंग वन को नरिशमेंट करता है. ओके दे हैव टू पेयर ऑफ लिम. इसमें टू पेयर ऑफ लिम प्रेजेंट हैं, अडेप्टेड फॉर वॉकिंग, रनिंग, क्लिम्बिंग, बोरिंग, स्विमिंग और फ्लाइंग. इसमें जो टू पेयर है लिम्स के वो इसको अडेप्ट करते हैं किस चीज़ के लिए, रनिंग के लिए, क्लिम्बिंग के लिए, वॉकिंग के लिए, स्विमिंग के लिए, बोरिंग के लिए. ओके द स्किन ऑफ
मैमल इज यूनिक इन प्रोसेसिंग हेयर, और इसकी स्किन जो होती है, स्किन स्किन पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर प्रेजेंट होते हैं, एक्सटर्नल ईयर और पिन्ना आर प्रेजेंट इसमें, एक्सटर्नल ईयर या पिन्ना जिसे हम बोलते हैं वो प्रेजेंट होता है, डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ आर प्रेजेंट इन द जॉइस, और जॉइस में डिफरेंट टाइप के टीथ इसमें प्रेजेंट होते हैं, हार्ट इज फोर चैम्बर्ड, इट मीन्स कंप्लीट हार्ट इसमें प्रेजेंट है, दे आर होमोथर्मस, यानी इसका मतलब अपन पढ़ चुके हैं अभी कि अपने बॉडी टेम्परेचर अपने आप मेंटेन कर सकते हैं, इट मीन्स वार्म ब्लडेड है, रेस्पिरेशन इज बाय लंग, लंग के थ्रू रेस्पिरेशन हो रहा है इसमें, सेक्सेस आर सेपरेट, सेक्सेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, एंड फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, फर्टिलाइजेशन इंटरनल प्रेजेंट है, दे आर विवीपेरस प्रेजेंट है विथ फ्यू एक्सेप्शन एंड डेवलपमेंट इज डायरेक्टेड, केवल कुछ ही एक्सेप्शन है इसमें जो विवीपेरस नहीं है और इसमें डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्ट होता है, एग्जाम्पल है ओवीपेरस का, सबसे पहले ओवीपेरस का इसमें एग्जाम्पल है ऑर्थिनोराइकस, इट मीन्स प्लेटिपस, विवीपेरस में अगर हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो वो है मॉर्गोरोपस कंगारू जिसे हम बोल रहे हैं, और फ्लाइंग फॉक्स प्रेजेंट है, कैमल्स प्रेजेंट हैं, कैमल जिसे हम बोल रहे हैं, ये बहुत सारे हैं, वो भी पेरिस के तो बहुत सारे आपको एग्जांपल दे रखे हैं, राइट। नेक्स्ट इज द साइलेंट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ ऑल फाइला, अभी हम जितने भी एनिलिडा है, हैवीज है, मैमेलिया है, जितने भी हमने फाइला अभी तक पढ़े उन सबका एक अगर हम देखते हैं तो वो कंपेरेटिवली अगर हम स्टडी करें तो इस टेबल के जरिए हम देख सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है फाइलम पॉरीफेरा, सीलेंट्रेटा की, टेनोफोरा, प्लेटी हेलमेनेथीज, एस्किनमेथीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हार्मिकॉडाइट, कॉर्डेटा, इन सबको अगर हम देखते हैं, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी अगर आपने ये पूरी टेबल को एक बार अच्छे से लर्न कर लिया तो आप ये देखते हैं कि इस टेबल में जो भी आपको एक्सप्लेन किया हुआ है पूरा चैप्टर इसकी ये समरी है, ओके, पूरे चैप्टर की अगर हम देखें तो ये समरी है, ठीक है। अब हम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं तो पॉरीफेरा में सेलुलर है, सिमेट्री अगर देखते हैं तो वे वेरियस टाइप की है, सीलोम अगर हम देखते हैं तो इसमें एब्सेंट है, सेगमेंटेशन भी इसमें एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम इसमें एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी एब्सेंट है, और डिस्टिंक्टिव फीचर अगर आप देखें तो बॉडी विथ पोर्स एंड कैनल्स इज प्रेजेंट, कैनल्स इन वॉल, पोर्स प्रेजेंट है और कैनल्स जो होते हैं वो वॉल पर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज सीलेंट्रेटा, सीलेंट्रेटा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, सिमेट्री इसमें रेडियल है, सीलोम एब्सेंट है, सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम इसमें इनकम्प्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम एब्सेंट है, और इसका जो यूनिक फीचर क्या है कि इसमें सीनोडोब्लास्ट प्रेजेंट होते हैं, ओके, नीडोप्लास्ट इसमें एब्सेंट है। नेक्स्ट इज टीनोफोरा में टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री है, सीलोम एब्सेंट है और सेगमेंटेशन भी एब्सेंट है, इनकम्प्लीट है इसका डाइजेस्टिव ट्रैक और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, और इसमें अगर हम देखते हैं तो इसमें रेडियली रेस्पिरेटरी सिस्टम भी इसमें एब्सेंट है, और इसका यूनिक फीचर क्या है, कॉम्ब प्लेट फॉर लोकोमोशन, कॉम्ब प्लेट इसमें लोकोमोशन के लिए प्रेजेंट है। फिर आता है आपके प्लेटी हेलमेनेथीज, इसमें ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम जो होता है वो ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इसमें प्रेजेंट है, इसमें अगर हम देखते हैं तो बाइलेटरल इसमें सिमेट्री है, एब्सेंट है इसमें क्या चीज़ एब्सेंट है, सीलोम एब्सेंट है, उसके बाद सेगमेंटेशन एब्सेंट है, डाइजेस्टिव इनकम्प्लीट है, और सर्कुलेटरी सिस्टम एब्सेंट है, ये भी एब्सेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम, लेकिन इसका जो यूनिक फीचर क्या है, फ्लैट बॉडी सर्कस इसमें प्रेजेंट होते हैं, ओके। यानी अगर आप देखते हैं तो मोस्टली चीज़ें तो इसकी अगर आप देखते हैं तो वो सारी की सारी अगर हम देखते हैं तो इसमें सेम है, बट इसमें कुछ एक पॉइंट्स ऐसे हैं अगर हम देखते हैं तो वो क्या है, इनके यूनिक फीचर जो हैं उसके अकॉर्डिंग हम इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ओके बेटा, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। आगे आप अपने आप देख लीजिएगा, नेक्स्ट जो टॉपिक है वो फिफ्थ लेसन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में स्टडी करते हैं, ओके।